बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम किसी शख्स ने सवाल किया, मौला मेरे बेहिसाब नमाज़ें कज़ा हो गई हैं जिनके अदा करने की मैं ताकत नहीं रखता, अब मुझको क्या करना चाहिए। अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स की नमाज़ें बेहद हिसाब कज़ा हो गई हों और उन नमाज़ों को पढ़ने की ताकत ना रखता हो तो उसको चाहिए कि आखिरी जुम्मा रमज़ान मुबारक के 4 रकात नमाज एक सलाम से इस तरह पढ़े कि हर रकात में बाद सूरत अलहम्द 25 मरतबा, सूरत कुल वहद आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और सूरत कौसर 15 मरतबा पढ़े। नमाज के बाद मोहम्मद वाले मोहम्मद की पर सलावात की एक तस्वीर पढ़े जिसमें यह है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलियुन वलीउल्लाह की एक पूरी तस्वीर पढ़नी है। उसके बाद ये दुआ पढ़नी है, दुआ कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा या साबिकल फौते वया सामिया सौते वया मानियल इजामे बादल मौत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वसल्लम वज अली फरज मिम्मा अंत तालम वला आलम वमा अंत तकदिर वला अकदिर या अलामुल गुयूब या वाहिबल अताया या सुब्हुन या कुद्दूस या रब्बुल मलाइकत बरू रब्बिगफिरली वरहमली वतजावज अम्मा तालम फ़ैनकानतल अलीउल अज़ीम सल्लल्लाहु अला मोहम्मद व आलिल अजमईन बिरहमतिक या अरहमर रहीमीन। उसके बाद फिर आप दुआ मांगे और मुदज्जब अला नमाज के सिलसिले में अमीरुल मोमिनीन का इरशाद है कि यह नमाज 700 बरस की नमाजों का कफारा करार पाई है। और इस बात पर इस शख्स ने फिर दरियाफ़्त किया, ए वलीउल्लाह उम्मत नबीउल्लाह की उम्र तो 70 बरस है, तब आपने इरशाद फरमाया नमाज कफारा होगी उनके वालिदैन दादा अकरबा और औलाद के लिए, और इसका पढ़ना जो है वो बेइंतहा जो सवाब का मालिक है। और तमाम मोमिनीन और मोमिनात से गुजारिश है कि इस नमाज को ज़रूर पढ़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तमाम लोग आज के दिन में जोहर और असर के दरमियान में ये नमाज़ पढ़नी है और जोहर और असर के बाद भी आप पढ़ सकते हैं ये नमाज़ जुमे के दिन में, जब भी आपको मौका मिले इस नमाज को अदा करें। फिर एक दफ़ा बताते चलूँ, हर रकात में सूरत अलहम्द 1 मरतबा है, 25 मरतबा जो है वो कुल बल्ला हुआ हद है, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी है, बड़ी या छोटी आयतुल कुर्सी आप पढ़ सकते हैं, खाल हुम्फिया खालिदून तक भी पढ़ सकते हैं, और फिर 15 मरतबा सूरत कौसर है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सवाब की नियत से शेयर करें ताकि तमाम लोग जो हैं वो आज के दिन में ये नमाज़ अदा कर सकें, और जिन लोगों की नमाज़ें कज़ा हो चुकी हैं वो तमाम लोग जो हैं वो अपनी नमाज़ें जो है वो अदा कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर बटन दबाना मत भूलिएगा, और नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप बताइए कि किस तरह की वीडियोस आपको चाहिए ताकि मज़ीद जो है वो हम आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।